नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिन्होंने इटली की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज वह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। G20 सम्मेलन में 8 सितंबर 2023 को दिल्ली आई थी, उसके बाद वह सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड की थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जॉर्जा मेलोनी की जीवनी के बारे में। वीडियो के अंत में हम आपको इनके उम्र और पति के बारे में बताएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जॉर्जिया मेलोनी का बचपन बेहद सामान्य था, लेकिन उनकी राजनीतिक रुचि का पता उनके बचपन से ही था। जॉर्जिया की पहचान उनकी सशक्त आवाज और विचारशीलता से जुड़ी थी। उन्होंने रोम के ला सापियेंजा यूनिवर्सिटी से अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर रोम के लुइस गुइडो कार्ली यूनिवर्सिटी से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की। जॉर्जिया मेलोनी की प्रगति तेज रही और 2008 में वह इटली के मंत्रिमंडल के सदस्य बनी, जहां उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में कार्य किया। जॉर्जिया मेलोनी को उनकी जीवनी में एक महत्वपूर्ण कदम आया जब वह 2020 में यूरोपीय कंजर्वेटिव्स एंड रिफॉर्मिस्ट्स पार्टी की अध्यक्ष बनी और जॉर्जिया मेलोनी 22 अक्टूबर 2022 को इटली की प्रधानमंत्री बनी। जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को रोम, इटली में पैदा हुई थी। एक प्रमुख इटलियन राजनेत्री है। अभी उनकी उम्र 46 है। इनके पति का नाम एंड्रिया ज़ियामब्रुनो है और एक बेटी भी है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का समापन होता है। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।